एक और इम्पोर्टेंट चीज आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो पर्सनालिटी है, जैसी आप हैं, आपने कभी किसी ने आपको ये कहा है कि तो आपको बिग बॉस में होना चाहिए? हाँ, सब लोग, मतलब मेरे मेकअप दादा, मेरे हेयर दीदी, सब लोग मुझे ये बोलते हैं मोस्टली कि क्योंकि सब लोग बिग बॉस फैंस हैं यार. Yes. वो देखते हैं और वो कहते हैं तन्नी आप जाओ ना, आप जाओ ना, आप सच में बहुत मजा आएगा, आप एंटरटेन करोगे, हम आपको जरूर देखेंगे, आप एंटरटेनिंग लगते हो हमें, ठीक है. और मुझे उतना ही डर लगता है बिग बॉस से, मैं नहीं जा सकती बिग बॉस में, वहां पे टास्क होते हैं, ठीक है, वहां पे खाना बनाना पड़ता है, वहां पे अपना काम खुद करना पड़ता है, और वहां पे टीवी और फोन नहीं होगा, मैं नहीं जी सकती. बिगेस्ट चीज देखो, वहां पे खाना बनाना पड़ता है, वहां पे अपने काम खुद करने पड़ते हैं, वहां पे टीवी और फोन नहीं होता है. वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट, ये ऑनेस्टली ऐसा यही है, मतलब ऑनेस्टली बोला ना मैंने, बिल्कुल ये सारी. हाँ, बट आपको अप्रोच किया गया है कभी? नहीं, अभी तक नहीं किया गया. और अगर किया तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आपका छोड़ो, मुझे लगता है मेकअप दादा और बाकी सारे जो भी रिलेटेड लोग हैं, दीदी सारे आके हम कर रहे हैं. एग्जैक्टली, एनीवन मेरी फैमिली, मतलब फैमिली मेंबर्स, दे ऑल आर सो बिग बिग बॉस लवर्स. उनको तो बड़ा अच्छा लगेगा कि मुझे ऑफर हुआ और मैं करूं, वो चाहेंगे कि मैं करूं. फैमिली के लिए एक बार कर लोगे क्या? पता नहीं यार, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है. और रियल, मतलब हाँ, मैं रियल ही हूँ वैसे तो, बट मुझे गुस्सा भी आता है जो लोगों को ना मोस्टली पता नहीं है, तो मैं नहीं बताना चाहती लोगों को कि हाँ भाई मुझे गुस्सा भी आता है. और टास्क में तो मेरे बिल्कुल जीरो हूँ, जीरो, मुझसे नहीं होगा आउट. मैं फर्स्ट वीक में आउट हो जाऊंगी, बेइज्जती करा के आ जाऊंगी, तो मुझे बेइज्जती से बड़ा डर लगता है, बेइज्जती हो जाएगी.